हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पूजा ब्यूटी ब्लॉग। मैं पूजा आपको साथ शेयर करने वाली हूँ ईद मेकअप लुक। गाइस सी, ये लुक मैंने क्रिएट किया स्पेशली फॉर ईद के लिए। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। सो चलो ज्यादा बातें ना करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अप्लाई करने वाली हूँ पिलग्रिम का रेड वाइन टोनर। ओके, सबसे पहले अप्लाई करेंगे टोनर, क्योंकि अब समर्स आ गया तो टोनर तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि हमारा स्किन होता ना अच्छी तरीके से हाइड्रेट रहे, तो उसके लिए टोनर ज़रूर अप्लाई करें। फिर मैंने यहाँ पे लिया है प्लम का, आई थिंक ये नियासिनामाइड करके था कि हेलोरॉनिक ऐसे करके ही कुछ था, क्रीम था मॉइस्चराइज़र, तो ये मैंने लगा लिया अच्छे तरीके से। सॉरी, ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र था, यस प्लम का ग्रीन टी मॉइस्चराइज़र। फिर मैंने यहाँ पे एमएन का कंसीलर लिया है, अच्छी तरीके से अपने आईलिड्स पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम करेंगे आई मेकअप। उसके लिए मैं भूल गई थी पहले आईब्रोज़ को फिल करना, क्योंकि आईब्रोज़ को फिल करके अगर आप कंसीलर अप्लाई कर रहे हो ना तो बहुत अच्छी तरीके से आईब्रो शार्प दिखता है। तो इसके लिए मैं तुरंत फटाफट से आईब्रो बना रही हूँ, उसके बाद मैं फिर से ब्लेंड करूँगी, फिर मैं पाउडर से सेट करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया था स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल, सुपर डुपर अफोर्डेबल एंड सुपर डुपर होता ना पिगमेंटेड भी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है पॉन्स का लूज पाउडर, अच्छे तरीके से आईलिड को सेट किया है। मार्स का लिया यहाँ पे फैंटेसी फेस पैलेट, सॉरी फेस पैलेट नहीं है, आई पैलेट है, यस। तो मेरे पास ना फेस पैलेट भी है, इसके लिए मुझसे फेस पैलेट निकल रहा है। तो अच्छे तरीके से करेंगे अपना आई मेकअप। तो आई मेकअप मैं कैसे करने वाली हूँ आप देख सकते हो। सबसे पहले मैं क्रीज लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, मतलब ट्रांजिशन शेड के लिए, हल्का सा होता ना ब्राउन शेड, या आप बोल सकते हो ऑरेंज अंडरटोन में है वो। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग डार्क पर्पल शेड, मतलब तो ना पर्पल कलर नहीं बोलूँगी, थोड़ा मरून पर्पल में है, लेकिन एकदम प्रॉपर मैचिंग नहीं था, लेकिन हाँ ये थोड़ा मैचिंग हो रहा था, इसके लिए मैंने ये लिया है। अपने आउटर वी पे अप्लाई करते हुए मैं अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हो, ताकि हाफ होता ना हाफ आईलिड पे अप्लाई हो जाए। फिर मेरे ड्रेस में था एकदम स्काई ब्लू कलर का होता ना थोड़ा थोड़ा वर्क किया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको ही हाईलाइट करते हुए मैं अपने आई मेकअप पे वही कलर अप्लाई करूं। तो ये कलर मुझे इसी पैलेट में मिल गया, तो मैंने इसको अच्छी तरीके से अप्लाई कर लिया। अच्छा, मुझे दूसरा पैलेट यूज़ नहीं करना पड़े, बहुत ही ईजी सा आई मेकअप है, लेकिन आप खुद देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर मैंने यहाँ पे लैक्मे का इंस्टा लाइनर लिया है, अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। एक विंग आईलाइनर, बहुत ज़्यादा थिक नहीं अप्लाई करूँगी, मैं नॉर्मल थिन आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ, आप थिक भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं जब आई मेकअप थोड़ा अच्छा करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ वो अच्छे तरीके से पॉप आउट होके दिखे, तो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं अप्लाई करती हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लिया है मार्स का इल्यूमिनेटर प्राइमर, जिसका वॉन्ड आप देख सकते हो कितना छोटू सा है, अपरेट सारा नीचे है, निकलता ही नहीं है, तो आजकल मैं ऐसे ही इसको यूज़ कर रही हूँ। और ये सारा प्रोडक्ट अब मैं थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करूँगी, क्योंकि इसका एक्सपायरी डेट बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मतलब होता है ना इसी ईयर ख़त्म हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इसको फटाफट से यूज़ करके सब ख़त्म कर रही हूँ अभी ये प्रोडक्ट। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है पॉन्स का बीबी क्रीम, तो मैंने अपने बैक ऑफ द हैंड पे नहीं लिया, इस पर लिया, थोड़ा सा वार्म किया एंड पूरा फेस पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया। ऐसे अप्लाई करने से क्या होता है ना, इक्वली हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एंड फिर ब्लेंड करने में ना बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग भी हो जाती है। तो अपने नेक को और ईयर को तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर नेक और ईयर अलग दिखेगा ना तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे थोड़ा सा टैनिंग जैसा हो गया है, पता नहीं कैसे थोड़ा टैनिंग हो गया है, एंड फेस थोड़ा सा होता ना मेरा डल भी हो गया है, तो मैं थोड़ा सा अपने फेस पे और हेयर पे ध्यान देने की कोशिश करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड कर लूँगी इसको, एंड सेम पॉन्स का पाउडर लेने के बाद बेकिंग करूँगी, क्योंकि अब तो समर चालू हो गया, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है, तो लूज़ पाउडर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उससे क्या रहेगा कि फेस का मेकअप टस से मस्त नहीं होगा, बहुत अच्छा टीका रहेगा। ओके, फिर उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से उसको कुछ सेकंड रखा, फिर डस्ट आउट कर दिया। फेसेस कैनेडा का काजल लिया है, एंड वाइट काजल मेरे आईज़ के ऊपर अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आगे मैं वाइट काजल आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ, अप्लाई करके देखूँ शायद अच्छा लगे। एंड आप चाहो तो वाइट काजल भी अप्लाई कर सकते हो, आपका आईज अगर छोटा है तो, ठीक है। बेला वॉस्टे का मैंने यहाँ पे मस्कारा लिया है, मैं कोई भी फॉल्स आईलेसेस अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास गम ही नहीं था, एक गम था वो मैंने फेंक दिया घर की सफाई करने के चक्कर में, एंड
था ही नहीं, आईलेसेस बस था, तो अब मैं खरीदूंगी तो फिर मैं आगे शेयर करूंगी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अच्छी तरीके से आईलेसेस को कल करके अप्लाई कर लिया मस्कारा, एंड उसके बाद कर रही हूँ कॉन्टोरिंग, मतलब ब्रॉन्जर अप्लाई कर रही हूँ। ब्लू हेवन का ब्रॉन्जर लिया है मैंने, उससे अच्छी तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो सबसे पहले नोज पे, चीक पे, फोरहेड पे, चिन पे अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे। और ये ब्लश वाला सेट था जो मुझे डार्क रिसीव हुआ था ना, तो मैं इसको एज ए ब्रॉन्जर की तरह यूज़ करती हूँ, काफ़ी अच्छा हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है प्लम का चीक ए बू ब्लश, छोटा वाला जो आता है ना मिनी वाला, डेली में यूज़ कर सकते हो आप इसको, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसको मैंने लिया है, अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे ब्लश, बहुत ही सटल रखूँगी क्योंकि आई मेकअप और लिपस्टिक थोड़ा सा पॉप आउट होके दिखे इसके लिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मालियो का हाइलाइटर, यस मालियो का हाइलाइटर लिया है। फिर मैं इसको सेट करूँगी इनसाइड का मेकअप सेटिंग स्प्रे के साथ, जो आप देख सकते, जिसे आप देख सकते हो ना फेस मेकअप मेरा जो बेस मेकअप है थोड़ा सा लाइट मैंने रखा है, मैंने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया है। इसके लिए मैंने फाउंडेशन अप्लाई ना करके बीबी क्रीम अप्लाई किया है। ओके, मार्स का ही मैंने यहाँ पे लिप क्रेयॉन लिया है, ये मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा था, थोड़ा सा मुझे डार्क शेड चाहिए था, तो इसके ऊपर मैंने इनसाइड का लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर लिया था। कैसा लग रहा है ज़रूर से बताओ, ठीक है? मुझे तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगा। ज्वेलरी जो है वो फ्लिपकार्ट का है, ठीक है? ये था मेरा आज का मेकअप लुक, आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेगा, कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा। सो चलो अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।